गाइस, वेलकम बैक टू अमन कुमार व्लॉगिंग चैनल। और गाइस, अभी मैं ऑफिस आया था और ऑफिस में आते ही आते मेरे को एक बैड न्यूज़ मिली। और वो बैड न्यूज़ क्या है कि लॉकडाउन लग गया दिल्ली में, वो भी 6 दिन का फिर से। और गाइस, ये कुछ रिलेटिव सा नहीं दिख रहा, मतलब आपको कुछ रिलेटेड नहीं दिख रहा पिछले साल से? पिछले साल भी यही हुआ था कि मोदी जी आए थे टीवी पर और बोला था 1 दिन का लॉकडाउन लगाएंगे, जो कि हमारा कल लगा था वीकेंड का 2 दिन लॉकडाउन, ठीक है। उसके बाद फिर 1 दिन की फ्रीडम मिली थी, फिर सेकेंड डे दोबारा लॉकडाउन लगा था और ये बोला था कि 1 हफ्ते का लगाएंगे, और 1 हफ्ते का लगा था। जैसे इस बार दोबारा हुआ है, हो रहा है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग रहा है। और उसके बाद फिर जो हुआ था वो आपको पता ही है कि महीने महीने का लॉकडाउन चला था, तो फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। और गाइस देखो यार, हमने यहाँ पे अपना ऑफिस वगैरह सब बिल्ड करा था, सब खोला था, और हमारा सब का सब चला गया नीचे, हम आगे लॉस में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है यार। कोरोना क्या वहाँ नहीं फैल रहा है क्या, बंगाल में जहाँ इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं? यार हद है, बस हमारी जेबें खाली की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, वो देखो बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़ कि जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वो वापस से उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मेरे घर के जस्ट बाहर 3 बसें खड़ी हैं जो यूपी बिहार जा रही हैं, और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे लोग कैसे जा रहे हैं आपको बैक कैमरे से। तो गाइस देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस जगह यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 3 बसें खड़ी हैं, 1, 2 और 1 आगे जो पेड़ से हाइड हो रखी है। और ये तीनों की तीनों बसें आपकी जा रही हैं यूपी बिहार, और यहाँ पे सारे के सारे लोग वापस जा रहे हैं। और अब आपको एक चीज़ बताऊँ, इन बस ड्राइवर्स का और ये बस ओनर्स का बहुत फ़ायदा है इस टाइम, क्योंकि इन्होंने अपने प्राइस इस टाइम बस के ना ट्रिपल कर दिए होते हैं, डबल कर दिए होते हैं, और बहुत पैसे चार्ज करते हैं ये हर उससे। पिछले साल मेरे को याद है मेरा एक रिलेटिव फंस गया था, और उसको इन्होंने चार्ज करा था 7,000 रुपये एक टिकट पे। तो गाइस कुछ ऐसा हाल हो गया था पिछले साल का, और इस साल का भी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। और मतलब क्या ही बताऊँ यार, अब तो हद हो गई है, और कोविड 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 सुन सुन के दिमाग पागल हो गया है। और हमारे ऑफिस की भी ऐसी तैसी हो गई है, यहाँ पे हमारे आदित्य भाई काम कर रहे हैं और ये शॉर्ट गेयर्स है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना गाइस, हमें सपोर्ट कर दो थोड़ा यार, मेरा भी करो, इसका भी करो, ये मोटो ब्लॉगिंग करता है। और भाई क्या विचार हैं आपके लॉकडाउन पे? इस क्या ही बताएंगे यार, जिंदगी बदलती, हालात बदलते, जज्बात बदलती। ओ भाई मारो मारो मुझे मारो भाई, खेल खिलाते आए थे भाई, ऑफिस भाई बढ़िया काम करेंगे आज तो, वैसा बिल्कुल प्राइम बना देंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने हैं, वेबसाइट बनानी बढ़िया सी, आते ही साथ ही बनती मित्रों। 7 दिन का लॉकडाउन मित्रों, तुम्हारी रैलियों के अंदर नहीं है क्या ये? वही तो यार, एक क्वेश्चन उठता ही है, ऑनलाइन सारी जगह पे एक वो फोटो भी डाल रही है जहाँ पे अमित शाह एक बच्चे को कह रहे हैं बेटा स्कूल तो बंद है, हमारी रैलियों में ही आ जाओ। तो गाइस देखो, ये कुछ हाल हो रखा है हमारा भी। देखो बस मैं और यही आए हैं, और कोई आया ही नहीं हमारे ऑफिस का बंदा, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह हो रहा है, ये कोरोना वायरस। अब वर्क फ्रॉम होम भी कर देंगे हम तो भी कोई फायदा नहीं, वर्क फ्रॉम होम के अंदर भी कितना कर लेगा यार। देख हमारा जो है डेवलपमेंट का काम है, डिजाइनिंग का काम, फिर उसके लिए क्या है, हमारे को पूरे टाइम एक साथ चमक के रहना पड़ेगा, ऑनलाइन मीटिंगें करनी पड़ेंगी, स्काइप के ऊपर जुड़े रहना पड़ेगा, कितना फीशियल कर लेगा। फिर भी अभी ये है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया, थोड़ा प्रिकॉशन हमारे लिए भी ठीक है कि देखो राइजेस जैसे जिस हिसाब से राइज हो रहे हैं केसेस, हम भी चलो मानते हैं चलो ठीक है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी पहले वाले ही कोविड का इफेक्ट हमारे पास अभी इतना था, तो एकदम से लॉकडाउन फिर से लगा दिया, उसका भी जॉब्स बहुत कम है, जॉब्स पे लोगों को निकाल भी रहे, तो वो भी थोड़ा देख के अगर चीज़ करें तो अच्छा रहेगा। वही सब सारी बातें हैं यहाँ पे, देखो जॉब्स तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो रखी थी, और अब दोबारा से 7 दिन का लग गया। और ये मेरे कैमरे को क्या हो गया, ये कलरिंग कैसे कर रहा है? ठीक है शायद, तो अब दोबारा से 7 दिन का लग गया है, और अब तो मतलब यार क्या ही बोले, जॉम्बीज बन जाएंगे कुछ टाइम बाद हम सबके सब, भूख के मारे, प्यास के मारे, बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं गाइस, क्या ही बताऊँ मैं अब। बस 1 दिन की फ्रीडम दे के, मतलब वही है ना कि 1 दिन का खाना दे दिया और फिर ख़त्म, अब हमारा ऑफिस भी पूरा बंद सा ही हो गया है। और गाइस एक चीज़ यही देखो, हर चीज़ के ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, लॉकडाउन के भी हैं अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
एडवांटेज सिर्फ एक है कि हम कोरोना से सेफ रहेंगे, और डिसएडवांटेज तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ही। हमने भी यहाँ पे खोला था यार अपना ऑफिस, अब शटडाउन करना पड़ेगा इसको कुछ टाइम के लिए, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बाकी देखते हैं। सो गाइज, अभी मैं जस्ट सो के उठा था और जस्ट मैं अपने ऑफिस गया था कुछ सामान लेने, और जब ऑफिस आ रहा था ना तो मैंने ये सीन देखा जो आप देखोगे। और ये सीन बेसिकली है क्या, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। यहाँ पे मेरे यहाँ से ना रोड से, मेन रोड से जस्ट मेरे घर के सामने ही बिहार जाती हैं बसेस, ठीक है। बिहार जाने के लिए बसेस आती हैं, तो वो यहीं से निकलती हैं, ठीक है। तो आज भी एक बस आई थी बिहार जाने के लिए, और आज लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, डे वन है लॉकडाउन का, आज मंडे है, 6 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, तो संपूर्ण लॉकडाउन है ये, तो 6 दिन का था। तो आज पहला दिन था और आज के दिन ही लोग बिहार जा रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ जो आप देखोगे। वैसे यहाँ पे मैंने कल आपको दिखाया था ना कि लॉकडाउन लग रहा है और लोग यहाँ से बिहार जा रहे हैं, और बहुत बसेस जा रही हैं। तो आज लॉकडाउन का डे वन है, और देखो ये बस आई थी बिहार जाने के लिए, और यहाँ पे पुलिस वालों ने इसे रुकवा दिया, और जितना भी है सारा सामान इन्होंने बाहर निकलवा दिया और सबको अपने अपने घर जाने को बोल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी बसें, सारे पुलिस वालों ने इस बस को मतलब खाली करवा दिया, और जितने भी पैसेंजर थे वो आपको सारे यहाँ पे बैठे हुए दिखेंगे इस साइड पार्क के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो, और कुछ इस साइड भी दिखेंगे, यहाँ पे पूरा भरा हुआ। ये सारे पैसेंजर इस बस के थे, और ये बस को पुलिस ने पूरी तरह से खाली करवा के करवा दिया, और अब इसको सारे पैसेंजर्स को घर भेजा जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिस की जिप्सी बिल्कुल बस के आगे अड़ा रखी है ताकि बस भागे ना, निकले ना। और यहाँ पे पूरा बस को आई थिंक ये घर पे वो पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, क्योंकि इलीगल हो रहा था ये, क्योंकि लॉकडाउन लग रखा है, तो हम ऐसे कहीं किसी और स्टेट से विदाउट परमिशन तो किसी पैसेंजर को ले जा नहीं सकते। गाइस अभी मैं छत पे आ गया हूँ, और मेरा पता नहीं क्यों कैमरे की बैटरी नहीं मिल रही है, मैं सामान रख के, वरना आपको कैमरे की बैटरी कैमरे से दिखाता क्लियरिटी में, तो ये मैं फ़ोन से अपने शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। देखो गाइस, जो आपको मैंने अभी बताया था ना वो बस, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, अब ये पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अब बाउंड होगी ये बस, क्योंकि चीज़ें ये इलीगल कर रही थी। और साथ ही में देख रहे हो आप पुलिस वाले वहाँ पर बहुत सारे खड़े हैं इस साइड यहाँ पे, और इन्होंने वो भी कमांडोज भी बुला लिए हैं अपने अपने, कमांडोज तो चले गए क्योंकि यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता था, तो इसलिए कमांडोज भी बुला लिए थे। और यहाँ पे अब बस के ओनर्स को बुलाया गया है, बट आई थिंक बस का ओनर आया नहीं है कोई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई आएगा ही नहीं, बस इस टाइम बाउंड होने जा रही है तो, और ये सारी चीज़ें इलीगल हैं और विदाउट परमिशन। और देखो आप पुलिस वाले ये बस को ले जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं न्यूज़ वाला बन गया हूँ ब्लॉग नहीं छोड़ के मैं न्यूज़ ही करने लग जाऊँ क्या और यहाँ पे वो देखो वो पुलिस वाला वहाँ पे हाथ दे रहा है कि चलो भाई आगे निकालो, बस को आगे निकालो, और 2-3 पुलिस वाले बस में बैठेंगे ताकि पूरी बस को मतलब अच्छे तरीके से ले जाया जा सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बस है, और काफ़ी अफड़ा तफड़ी का माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे पैसेंजर्स हैं, वो देखो सारे पैसेंजर्स जा रहे हैं जो किराया दे चुके हैं अपना, और यहाँ पे इनसे डबल ट्रिपल किराया लिया गया है। और ये बात है सेक्टर 25 रोहिणी की, दिल्ली, सेक्टर 25 रोहिणी दिल्ली की बात है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और कोई न्यूज़ वाला नहीं है तो आप, कोई नहीं, आपका भाई है व्लॉगर वो न्यूज़ वाला बन के आपको सारी चीज़ें दिखाएगा यहाँ पे, बताएगा। तो देखो लॉकडाउन का भी डे वन ही हुआ है, और ये हाल है यहाँ का, और पुलिस वाले चढ़ गए हैं बस में, और वो पता नहीं क्या बस को स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आई थिंक पुलिस वालों को ड्राइविंग नहीं आती या फिर उन्होंने ड्राइवर बुलाया है कोई। तो अब देखो सारे पुलिस वाले जा रहे हैं, और ये आई थिंक बस के ओनर, नहीं बस के ओनर सारे पुलिस वाले, अब चलो देखो, अब पुलिस वाले धीरे धीरे जा रहे हैं,
और बस को भी स्टार्ट कर दिया गया है। बस गर्म हो रही है इंजन की आवाज़ आप सुन सकते हो अगर आ रही हो तो। और यहाँ पे देखो ये सारे प्रदर्शन खेल का मनोरंजन लेते हुए ये हमारे कॉलोनी के बंदे। बट मेरे को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, देखो जैसे कि वहाँ पे दो पैसेंजर बैठे हुए हैं, इधर इधर बैठा हुआ है और काफ़ी पैसेंजर तो चले गए और काफ़ी पैसेंजर बस के उस। तो गाइस काफ़ी बुरा हुआ इन लोगों के साथ और अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है उस पर जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहे। और दूसरी चीज़ गाइस जहाँ भी हो सेफ रहो, अपने घर पे रहो, अच्छे से रहो क्योंकि कोविड है। अभी देखो पुलिस वाले बस उठा के ले गए हैं, पूरी की पूरी पैसेंजर से भरी हुई। एक चीज़ नोट करना, ये पूरी बस पैसेंजर से भरी हुई थी, पैसेंजर को उन्होंने बाहर निकाला और बोला अपने अपने घर जाओ और पूरी बस को बाउंड करके ले गए। तो ऐसा ना हो कि आपको भी पुलिस वाले बाउंड करके पुलिस स्टेशन ही ले जाए। तो घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। पता नहीं कब ये पैंडमिक ख़त्म होगा और कब हम लॉसेस से उभरेंगे। काफ़ी बिजनेस बंद हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बंद हो रही हैं, गॉड नोज़ कब ख़त्म होगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।